सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम। सम्मानित साथियों, मैं नवीन त्यागी आपका नवीन एग्रो फार्म चैनल पर स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज मैं आया हूं डीएसएन फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड पे। यहां लेयर पोल्ट्री फार्मिंग होती है और हमारे साथ इंजीनियर अंकित सिंह जी हैं। ये आपको बताएंगे कि जो लेयर पोल्ट्री फार्मिंग है इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट है, कितना मुनाफा कमाया जा सकता है अगर आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। तो आइए इंजीनियर साहब से बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। इंजीनियर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दर्शकों को ज़रा बताइए कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट है। देखिए, प्रेजेंट टाइम में लेयर फार्म खोलने के लिए ये पर बर्ड के हिसाब से लगभग 900 से 1000 रुपये का खर्च है। हाँ। इस खर्च में ये जो शेड बनता है जिसमें मुर्गियाँ रहती हैं वो है जी। इसके शेड के अंदर एक केज लगता है जिसके हाँ। अंदर मुर्गियों को रखा जाता है। हाँ। वो सम्मिलित है। हाँ। मुर्गी का जो चूजा आता है, जो चूजा उसकी कॉस्ट है जी। जो चूजे को हम लोग 4.5-5 महीना खिलाते हैं फीड। हाँ। उसकी कॉस्ट है। जो इनको 5 महीने में वैक्सीन लगती है उसकी कॉस्ट है। जो मेडिसिन लगती है उनकी कॉस्ट है जी जी। और जो लेबर लगता है उनकी कॉस्ट है जी जी। ये टोटल कॉस्ट है अंडा देने तक। वहाँ पे अंडा देने लगभग 20-25% तक मुर्गी अंडा स्टार्ट कर देगी, वहाँ तक ये कॉस्टिंग है 900 से 1000 पर बर्ड जी। अब इसको दो पार्ट में अगर कर दिया जाए तो एक है वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एक है वर्किंग कैपिटल जी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया आपका शेड हो गया, केज हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये मान के चलिए लगभग आपका पड़ जाएगा 650 रुपये का। 650 रुपये का वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। 250 रुपये आपकी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब चिक्स हो गया, फीड हो गया, वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हो गई और लेबर हो गया। तो आपका जब भी हर साइकिल, एक साइकिल मान चलिए 80 वीक का होता है, 80 वीक का, उसके बाद ये हर साइकिल पे आपका ये 250 रुपये का हमेशा खर्च लगता रहेगा। इसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे जी जी। अब आ गया इसका आउटपुट। आउटपुट में हम इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके फीड का प्राइस और अंडे का प्राइस रेगुलर फ्लक्चुएट करता है, पर डे फ्लक्चुएट करता है। तो इसलिए इसको हम एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं प्रेजेंट टाइम का आपको बता दे रहा हूँ, मैं आज ही का आपको बता रहा हूँ। आज के रेट में फीड का जो कॉस्ट का रेट है वो 3.5 रुपये है जी। और अंडे का आज का कॉस्ट जो है वो 4.5 रुपये का है जी। ये एक्चुअल फिगर है आज के रेट का। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 रुपये की इसमें मार्जिन पड़ती है जी। अब होता है इसमें खर्च क्या पड़ता है। जब आपके ये 250 रुपये बर्ड का ये खर्च हो गया, उसके बाद आपको चलाने के लिए इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी में देखिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इसमें मेन खर्च थोड़ा गर्मी में पड़ता है। जैसे पंखा वगैरह चलता है जी जी, फॉगर चलता है, फॉगर अंदर चलता है, ऊपर स्प्रिंकलर चलता है, वो मोटर से चलता है, एक हॉर्स पावर की मोटर होती है। तो एक बिजली बिल का खर्च है। आपका लेबर का खर्च मान के चलिए कि पर बर्ड जो है 3 रुपये पड़ता है मंथली। अच्छा। अगर आपके यहाँ 10,000 मुर्गी हैं तो 30,000 रुपये मंथली आपका खर्च पड़ेगा लेबर का। इसके अलावा थोड़ी बहुत मेडिसिन है, 1 से 1.5 रुपये मेडिसिन का पड़ता है। मेडिसिन में जैसे लीवर टॉनिक हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, जैसे गर्मी है ग्लूकोज हो गया, इन सब चीज़ों का जो आम चीज़ें होती हैं। कोई वैसी मेडिसिन, कोई एंटीबायोटिक हम लोग नहीं देते हैं। एंटीबायोटिक हमारे यहाँ कभी कोई यूज़ भी नहीं हुआ है, एंटीबायोटिक यूज़ भी नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का खर्च है। और मान के चलिए कि 1,000 रुपये और रख लीजिए पर बर्ड मिसलेनियस खर्चों का, ये इसका संपूर्ण खर्च है। हाँ। तो उस हिसाब से देखेंगे तो 1 रुपये की आपको इसमें मार्जिन मिलेगी। 10,000 बर्ड का अगर आपको ये पूरा शेड का खोलना है, 10,000 बर्ड का ये फार्म, लेयर फार्म खोलना है जी, तो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ का इसमें खर्च होगा। ये टोटल खर्च है। अच्छा। इसमें सब है, ये शेड है, मुर्गी का फीड है, वैक्सीन है, सारा टोटल खर्च है। 10,000 बर्ड का खोलना है तो 1 करोड़ रुपये खर्च होगा। 1 करोड़ और करीबन जो है 10,000 अगर प्रोडक्शन हो रहा है आपका अंडे का, तो करीबन 10,000 रुपये पर डे की मार्जिन हो जाएगी। लगभग 10,000 रुपये पर डे की मार्जिन हो जाएगी। पार्टिकल देखिए इसमें ये क्या कि लेयर पोल्ट्री में इसको बहुत बड़ा है जी। अगर आप अपने फार्म को बढ़िया से एस्टेब्लिश कर देते हैं शुरू में, भाई आप नया फार्म खोलेंगे तो आप रेडीमेड फीड खिलाएंगे, फिर इसमें आप अपना फीड में काम कर सकते हैं। फीड का काम करने के लिए इसमें आपको लगभग 5,000 स्क्वायर फुट का गोदाम बनवाना पड़ेगा, ताकि उसमें आप कम से कम 2 ट्रक मक्का, लगभग 50 से 60 टन मक्का, लगभग 20 टन सोया, DRB करते करते आपके पास कम से कम 200 टन की जगह उसमें होनी चाहिए, 200 से 250 टन की जगह होनी चाहिए। फिर एक मशीन लगती है, मिक्सर और ग्राइंडर लगता है जिससे वो चारा बनता है। तो उसमें आप चारा बना भी सकते हैं अपनी, वो ज़्यादा बेटर भी पड़ता है अपने मुर्गियों के लिए, और चारा बना के आप बाज़ार में सेल भी कर सकते हैं। तो ये फर्दर एक्सटेंशन में काम हो गया।
कॉस्ट कटिंग भी हो गई इससे, कॉस्ट कटिंग भी हो गई, फीड क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई। क्योंकि आपके पोल्ट्री सेक्टर में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो टेम्परेचर को आप फीड द्वारा भी बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको कोई एडिशनल मेडिसिन कभी नहीं देनी पड़ेगी, जो भी आपको फेरबदल करना पड़ेगा अपने फीड द्वारा ही कर लेंगे। तो जैसे 10,000 बर्ड्स में कितना, अगर हम उसका प्रोडक्शन का मशीन फीड के लिए मशीन लगाते हैं तो लगभग कितना खर्चा हो जाएगा? देखिए 10,000 बर्ड के लिए, अब जैसे आपको गोडाउन तो बनवाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, आपको गोडाउन बनवाना पड़ेगा, मशीन लगानी पड़ेगी, आपको सारा मटेरियल रखना पड़ेगा, उसमें कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है। मान लीजिए इनिशियल कॉस्टिंग अगर उसमें कम से कम भी आप करेंगे तो 50 लाख का है, 50 लाख। लेकिन वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, वन टाइम, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, एक बार लगा दिए उसके बाद आपके लिए आपकी कॉस्ट कटिंग होगी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए होगी, लॉन्ग टर्म के लिए आपकी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तो वो एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आप करते हैं ना करते हैं वो एक्स्ट्रा चीज़ हो जाएगी। फिर फीड आप उसमें भेज भी सकते हैं, उसमें से आप मार्जिन निकाल सकते हैं। तो सम्मान्य साथियों, मुझे लगता है कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई कि जो है कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना प्रॉफिट है। तो अगर आपको ये बजट में आ रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, साथ के साथ अगर कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अंकित सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और दर्शकों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।